हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन सैंपल पेपर। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये सैंपल पेपर टर्म 1 के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 35 मार्क्स का आपका एग्जाम आएगा जिसको आपने 1 घंटे 30 मिनट में करना है। इसी के साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दे रखी है कि जो आपका एग्जाम पेपर है वो 3 सेक्शन में आने वाला है, प्लस सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने सिर्फ 20 करने हैं। सेक्शन बी में से आपके 24 क्वेश्चंस आएंगे, आपने 20 करने हैं। एंड सेक्शन 4 में से आपके 12 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 10 करने हैं। सो स्टूडेंट, जितने क्वेश्चन आपको बोले गए हैं आप उतने ही करके आइएगा। अगर आप सारे कर देते हैं तो टीचर आपके सिर्फ ऊपर की 20 चेक करेगी और उसी में से नंबर दे देगी। तो चलिए देख लेते हैं। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द अदर नेम फॉर विटामिन B2? विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नियासिन, ऑप्शन बी थियामिन, ऑप्शन सी फियोलिक एसिड, ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। सो स्टूडेंट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिवाइड एन ऑड नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ फॉर अ नॉकआउट फिक्स्चर? ऑप्शन ए n+1/2, ऑप्शन बी n-1/2, ऑप्शन सी n(n-1)/2, ऑप्शन डी n(n+1)/2। सो स्टूडेंट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which test is developed to test fitness in senior citizens? Senior citizens की fitness को test करने के लिए कौन सा test develop करा गया है? Option A Harvard Step, Option B Wickley and Jones, Option C EFFER, Option D Rockport. So student, option B is the correct answer. Wickley and Jones test senior citizen की fitness को test करने के लिए use करा जाता है। Next question, आपको एक फिगर दे रखी है और आपने बताना है ये क्या शो कर रहा है। ऑप्शन ए फ्लैक्शन, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, ऑप्शन सी एडक्शन, ऑप्शन डी एबडक्शन। सो स्टूडेंट, ऑप्शन ए फ्लैक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइडिंग मूवमेंट अकर एट विच पॉइंट? ग्लाइडिंग मूवमेंट किस जॉइंट में अकर होता है? ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी हिप, ऑप्शन सी व्रिस्ट, ऑप्शन डी एल्बो। सो स्टूडेंट, रिस्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसोलेशन टूर्नामेंट आर अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ फिक्स्चर? कंसोलेशन टूर्नामेंट किस टाइप ऑफ फिक्स्चर का पार्ट है? ऑप्शन ए नॉकआउट, ऑप्शन बी लीग, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट, ऑप्शन ए नॉकआउट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग दीज इज नॉट अ मैक्रो मिनरल? इनमें से कौन सा मैक्रो मिनरल नहीं है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी फॉस्फोरस, ऑप्शन डी आयोडीन। सो स्टूडेंट, ऑप्शन डी आयोडीन इज द करेक्ट आंसर। बाकी के तीनों ये मैक्रो न्यूट्रिएंट के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who discovered vitamin A? Vitamin A की खोज किसने करी थी? Option A Dr. M.C. Coulomb, Option B Dr. Cuberton, Option C Dr. J.B. Nash, Option D Dr. Howard. So student, option A is the correct answer. Next question, Formula for determining the number of by in the lower half of a knockout fixture when number of by are odd. Option A NB+1/2, option B NB-1/2, option C NB/2, option D NB+1. So student, option A is the correct answer. Next question, What is the name of the postural deformity caused due to increase in the curve at the lumbar region? Option A knock knees, option B bow leg, option C kyphosis, option D lordosis.
सो स्टूडेंट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द फंक्शनल एबिलिटी अमंगस्ट द सीनियर सिटीजन. सो आपने इसमें बताना है कि सीनियर सिटीजन्स के फंक्शन ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं. इसको चेक करने के लिए हम किस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं. ऑप्शन ए रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट, ऑप्शन बी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ऑप्शन सी रिकली एंड जॉन टेस्ट, ऑप्शन डी फिटनेस इंडेक्स स्कोर. सो स्टूडेंट हमने ये ऊपर भी डिस्कस करा था, रिकली एंड जॉन टेस्ट इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेस्ट ड्यूरेशन फॉर द आर्म कर्ल टेस्ट. आर्म कर्ल टेस्ट की टेस्ट ड्यूरेशन कितनी होती है. ऑप्शन ए 1 मिनट, ऑप्शन बी 2 मिनट, ऑप्शन सी 30 सेकेंड, ऑप्शन डी नंबर ऑफ रिपीटिशंस. सो स्टूडेंट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉस्चुरल डिफॉर्मिटी हैज कन्वेक्सिटीज राइट और लेफ्ट. ऑप्शन ए फ्लैट फुट, ऑप्शन बी नॉकनीज, ऑप्शन सी काइपोसिस, ऑप्शन डी स्कोलियोसिस. सो स्टूडेंट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोटर स्किल इज इन्वॉल्व इन स्मैशिंग वॉलीबॉल. ऑप्शन ए ग्रॉस मोटर स्किल, ऑप्शन बी फाइन मोटर स्किल, ऑप्शन सी क्रॉस मोटर स्किल, ऑप्शन डी ओपन स्किल्स. सो स्टूडेंट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव लॉ ऑफ मोशन. लॉ ऑफ मोशन किसने दिया है. ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी डार्विन. सो स्टूडेंट लॉ ऑफ मोशन को देने वाले न्यूटन है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड स्टेप इज परफॉर्म टू चेक विच काइंड ऑफ फिटनेस. हार्वर्ड टेस्ट किस तरीके की फिटनेस को चेक करने के लिए परफॉर्म किया जाता है. ऑप्शन ए कार्डियोवास्कुलर, ऑप्शन बी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी मस्कुलर स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी रिएक्शन एबिलिटी. सो स्टूडेंट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हार्वर्ड टेस्ट कार्डियोवास्कुलर एबिलिटी को चेक करने के लिए परफॉर्म करवाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिक्चर इज ऑल्सो नोन एज बर्गर सिस्टम. किस फिक्चर को बर्गर सिस्टम के नाम से जाना जाता है. ऑप्शन ए नॉकआउट फिक्चर, ऑप्शन बी राउंड रॉबिन फिक्चर, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन फिक्चर, ऑप्शन डी चैलेंज टूर्नामेंट. सो स्टूडेंट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी. ऑप्शन ए काइपोसिस, ऑप्शन बी स्कोलियोसिस, ऑप्शन सी लॉर्डियोसिस, ऑप्शन डी फ्लैट फुट. सो स्टूडेंट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मेन कॉज फॉर नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस का मेन कॉज क्या है. ऑप्शन ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, ऑप्शन बी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ऑप्शन सी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ऑप्शन डी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. सो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ अमंग्स द गिवन वन इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो आपने इसमें बताना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस और नाम से जाना जाता है. ऑप्शन ए लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन बी लॉ ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन सी लॉ ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन डी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या रेशियो होती है. ऑप्शन ए 1:2:1, ऑप्शन बी 2:2:1, ऑप्शन सी 2:1:1, ऑप्शन डी 1:2:2. सो
सो स्टूडेंट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ राउंड इन अ सिंगल लीग फिक्स्चर व्हेन द नंबर ऑफ टीम इज इवन. ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी एन माइनस वन अपॉन टू, ऑप्शन सी एन माइनस वन, ऑप्शन डी एन ब्रैकेट एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज अपॉन टू. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोस्टुरल डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू पोस्टीरियर कर्व ऑफ द स्पाइन. ऑप्शन ए स्कोलियोसिस, ऑप्शन बी काइपोसिस, ऑप्शन सी लॉर्डोसिस, ऑप्शन डी नॉकनी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which movement is caused by moving a body part away from the medial line of the body? Option A flexion, option B extension, option C adduction, option D abduction. Option D abduction is the correct answer.